नमस्कार, मैं बलजीत ढाका आप सभी का इस प्रेजेंटेशन में, फ्रेंडली राइज के प्रेजेंटेशन में स्वागत करता हूं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, HCS 2020 या 2021, इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, क्या क्या दिक्कतें आती है स्टूडेंट्स के सामने, क्या सिलेबस होता है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, कौन सी किताबें आप पढ़ सकते हैं, क्या कौन से रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा सकते हैं, फ्रंट ईयर IAS आपकी कैसे मदद कर सकता है इस पूरे प्रोग्राम में, तैयारी करने की जर्नी में, वो सारी डिस्कशन हम आपके सामने करने वाले हैं। पूरी प्रेजेंटेशन को आपको देखना है आखिर तक, जिससे कि आपके सारे डाउट, गाइडेंस आपको कहाँ से मिल सकती है, पूरे के पूरे क्लियर आपके हो सके। तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलो चलते हैं। जैसा आप जानते हैं कि पूरे विश्व में एक संकट आया हुआ है, और वो क्या है, COVID-19 से रिलेटेड। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और जिनकी जॉब चली गई है, जाने का खतरा है, और एक सामने चैलेंज खड़ा हुआ है, हाउसवाइफ भी है, कि अगर हमें एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए, ऐसी जॉब चाहिए जिसका कि जाने का खतरा नहीं हो, बल्कि इस तरह की महामारी में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने हो, तो आपके आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि मैं ऐसी जॉब के लिए अगर हरियाणा में जॉब करना चाहता हूं, तो HCS से बड़ी जॉब या HCS से बेटर जॉब कोई नहीं हो सकती। जो इस फेज से गुजर रहे हैं, जो जॉब सिक्योरिटी देख रहे हैं, उनके लिए HCS की तैयारी करना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक राइट टाइम भी है। राइट टाइम क्यों है, क्योंकि आप बाहर ज़्यादा जा नहीं रहे हैं। जब बाहर ज़्यादा जा नहीं रहे, आपके पास समय ज़्यादा है, बजाय कि आप लूडो खेलें या इधर उधर टिकटॉक के ऊपर आलतू फालतू का टाइम खराब करें या यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियो आते हैं, इससे आपकी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। डेवलपमेंट कब होगी, जब आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है वो एग्ज़ाम क्लियर ना हो, क्वालिफाई हो जाए आपका, अगर नए भी होता है तो आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप अलग अलग जब आप चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है जो आपके फ्यूचर को ज़्यादा ब्राइट कर सकती है। तो इसलिए इस जो लॉकडाउन का या अनलॉकडाउन का, जो भी आप बोलना चाहें अनलॉक का, पूरा फायदा तभी उठाएगा जब आप अपने अंदर चीज़ों को बढ़ाएं, ग्रो करें। इसके लिए जहाँ तक HCS 2020 और 2021 का सवाल है, मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं। आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है, baljeetdhaka.com, जो कि फ्रंट ईयर IAS की वेबसाइट है, उस पे जाकर ये सारे वीडियो पहले तो आपको देखने हैं। इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, और इस वीडियो में जो गाइडेंस रिलेटेड वीडियो है, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ कि जनरल स्टडी का जो पेपर प्रीलिम्स का पैटर्न होता है, एनालिसिस फैक्ट, मतलब पूरी जानकारी दी गई, ये पेपर ये आया हुआ है, इस सेगमेंट से इतने क्वेश्चन आए हुए हैं, ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। सी सेट जो कई बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये उनका सोचना है, लेकिन एक्चुअली में कोई मुश्किल नहीं है। आठवीं सातवीं तक की चीज़ें हैं, अगर मुश्किल लग रही है तो फिर पास कैसे कर गया है, मेरा क्वेश्चन तो ये भी आ जाता है। लेकिन क्या आता है एक्चुअल में इस पेपर में, मैथ के किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं, मैथ कितना आता है, रीजनिंग कितनी आती है, इंग्लिश कितनी आती है, कॉम्प्रिहेंशन कितनी आती है, और जो इंग्लिश आती है क्या इंग्लिश, कई बच्चे क्या होते हैं इंग्लिश से बड़े डरते हैं, आगे इंग्लिश के बारे में और भी जानकारी आएगी, जिक्र आएगा इंग्लिश का। लेकिन अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, अपने आप को ग्रूम करना चाहते हैं, तो इंग्लिश और टेक्नोलॉजी दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको आगे ले जाती है। अगर आप इससे भागेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से आप भाग जाएंगे। यहाँ सिर्फ जॉब का सवाल नहीं है, अगर आप अपने बच्चों की पेरेंट टीचर मीट में भी जाते हैं, अगर आपको इंग्लिश या टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, तो वहीं पर भी आप लड़खड़ा जाते हैं। अगर आप पिक्चर देखने जाते हैं कोई अच्छे सिनेमा हॉल में, वहाँ पे भी आप अपने आप को लोअर महसूस करते हैं। तो ये एक आपको आगे बढ़ाने के लिए, अगर आप वेबसाइट कोई सर्च करते हैं तो सारी चीज़ें इंग्लिश में आती है। टेक्नोलॉजी और इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट और रिक्वायरमेंट है, कोई फैशन नहीं है। ये कौन सी किताबें आपको पढ़नी है या कौन सी किताबें हो सकती है, ये पूरी डिटेल इस वीडियो में भी बताऊँगा, लेकिन ये पूरी डिटेल यहाँ पर बताई हुई है। फिर उसके बाद में GS मेन से रिलेटेड है, वो क्या क्या आता है, इससे क्या आप दूसरी चीज़ों के साथ कंपेरिजन कर सकते हैं। UPSC में क्या आता है और SSC इसमें HCS में क्या आता है, ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे डिटेल में बताई गई है। कई बार बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि उसमें क्या आता है,
ये नहीं कि इसमें देख सकते हैं पूरी जानकारी आपके सामने एक ही जगह पे बहुत डिटेल में, कि 10-12 घंटे का सेशन है, आप इसको जरूर देखिए अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए फायदेमंद है, ठीक है। तो पूरी जानकारी इन सभी वीडियो में दी हुई है। ज्योग्राफी का पेपर कैसे आते हैं, हरियाणा में जो प्रीवियस पेपर है उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप जरूर देखें। जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, वैसे तो क्या है कि आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, जब फॉर्म निकले तो स्टार्ट कर सकते हैं, जब एडमिट कार्ड आए तो स्टार्ट कर सकते हैं, जब आपके एक हफ्ता एग्जाम में बचा हुआ तो भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन बेटर ये है कि जब आपको इमीडिएटली स्टार्ट करें, 6 महीने 8 महीने का समय लगता है अच्छे ढंग की तैयारी करने में। और एक ये जो सिविल सर्विसेज की तैयारी होती है वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है, ये नहीं कि एक दिन में तैयारी कर दी, 2 दिन में तैयारी कर दी, ऐसा नहीं होता। या फॉर्म निकले तो तैयारी कर दिया, एडमिट कार्ड आए तो तैयारी कर दिया, ऐसा नहीं होता। वो बच्चे एक्चुअल में क्या है कि वो फॉर्म भरते हैं, वो तैयारी नहीं करते, वो एस्पिरेंट है ही नहीं, वो एप्लीकेंट है। तो अगर अभी से स्टार्ट तैयारी करते हैं, ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, ज़्यादा आपके रिविजन हो सकते हैं, टाइम आपका बेटर ढंग से मैनेज हो सकता है, ज़्यादा टाइम मिलेगा सिलेबस कवर करने को, और प्रैक्टिस सेट आप फिर बाद में ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि सी सेट जैसे सब्जेक्ट में तो प्रैक्टिस ही मायने रखती है, क्योंकि वो जो मैथ के आसान आसान क्वेश्चन आते हैं आमतौर पे, रीजनिंग के आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, वो तो कोई भी कर लेगा, लेकिन प्रैक्टिस से टाइम में करना वो एक आपके लिए चैलेंज होगा, वही आपको करना है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आ जाता है कि जो एचसीएस का एग्जाम है वो है क्या। हरियाणा में जो टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है, चाहे वो एसडीएम से लीड हो, डीएसपी हो, एक्साइज डिपार्टमेंट हो, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट हो, ग्राम पंचायत वाला डिपार्टमेंट हो, बीडीओ वाला डिपार्टमेंट हो, मतलब ये सारे पोस्ट के लिए हायर रैंक की जो जॉब होती है उसके लिए, या अगर मैं बोलूँ कि जो सबसे बड़ी जॉब होती है वो हरियाणा में, वो एचसीएस की जॉब है। और आईएएस जॉब बनकर आते हैं यूपीएससी वाले, 1/3 जो आईएएस बनते हैं ना वो स्टेट की सर्विसेज होते हैं, उससे प्रमोट होकर बनते हैं। तो अगर आप एचसीएस बनते हैं और बाद में एचसीएस से प्रमोट होकर आईएएस भी बन सकते हैं, ये भी एक आप में ऑप्शन होता है। कहने का मतलब है सेंटर में भी अगर आपको सर्विस करनी है तो एचसीएस से आईएएस ये भी एक रूट होता है, और एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप जानते हैं यूपीएससी का एग्जाम होता है वो करते हैं, तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दो टाइप की रिक्रूटमेंट होती है। इसकी तैयारी कौन कौन कर सकता है, एचसीएस की कोई भी तैयारी कर सकता है जिसके पास में ग्रेजुएशन है, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीडीएस हो, एमबीबीएस हो, बीटेक हो, या और कोई एलएलबी हो, कोई भी क्वालिफिकेशन हो, वो पास होना जरूरी है, कोई 70% 80% या कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते। एलिजिबिलिटी जहाँ तक सवाल है तो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है। जहाँ तक एज का सवाल है, इसमें एज काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, 21 साल से लेकर 42 साल तक आपके पास में पूरा चांस मिलता है, पूरी अपॉर्चुनिटी होती है, तैयारी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ग्रेजुएट है और 21 साल है और उम्र 21 से 42 साल है, कितनी बार एग्जाम दे सकता है, कोई लिमिट नहीं है उसकी, 6 अटेम्प्ट है, 8 अटेम्प्ट है, 10 अटेम्प्ट है, जब जब एग्जाम हो रहा है वो लगातार तैयारी करता रहे। सिविल सर्विस की तैयारी आमतौर पर ऐसे ही होती है। और जो ये तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जाम परस्पेक्टिव है, आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा चेंज आता है, उसमें बहुत सारा सीखने को मिलता है, आप अखबार पढ़ते हैं ज़्यादा समझ पाते हैं, पॉलिटी की चीज़ें समझ पाते हैं, इकोनॉमिक्स की न्यूज़ आती है, लॉकडाउन की न्यूज़ आती है, आरबीआई है वो बोल रहा है कि आपको लोन नहीं भरना, लेकिन इसके मायने क्या है, तो आप डीपली कोई चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लाइफ में ये चीज़ें जानना ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे जब कोई सामने वाला बात करेगा प्राउड महसूस करेगा कि मैं एक नॉलेजेबल और एजुकेटेड पर्सन से बात कर रहा हूँ, न कि एक डिग्री धारक से बात कर रहा हूँ। डिग्री लेने से नॉलेज नहीं बढ़ता, डिग्रियां बहुत आ जाती है, खरीदी भी जा सकती है, लेकिन ये एक्चुअल में आपका नॉलेज है जो वास्तव में काम आएगा। ये 100% का क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि फॉर्म कब निकलेगी। तो जो इस तरह की कैटेगरी फॉर्म कब निकले वाले बच्चे, कृपया करके इस प्रेजेंटेशन को यहीं बंद कर दें, क्योंकि वो इस बात से ये पूरे सिस्टम को समझने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। उसके लिए मैंने अलग से आर्टिकल भी डाले हुए हैं, फॉर्म कब निकलेंगे। देखो जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं ना स्टेट के,
उसकी कोई गारंटी नहीं है इस महीने निकल जाए अगले महीने निकल जाए। आपका काम है कि आप इसके लिए तैयार रहें। लड़ाई कब होगी? लड़ाई कभी भी हो सकती है, भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई कभी हो सकती है। इसका मतलब ये थोड़ी लड़ाई स्टार्ट होगी तो भारत तैयारी स्टार्ट करेगा, ऐसा नहीं है। आपको जंग के लिए हमेशा तैयार रहना है। 2011 में, 2014 में, 2018 में ये एग्जाम हुए हैं, लेकिन ऐसे पहले एग्जाम 2-3 साल में वो बाकी राज्यों के भी होते थे, लेकिन वहां पे हर साल एग्जाम होने स्टार्ट हुए हैं। इस बात की संभावना है कि जैसे हमने देखा HSSC के एग्जाम भी काफी बार लगातार हुए हैं, तो HS के एग्जाम भी लगातार होने की संभावना है। 2020 के आखिर में या 2021 में ये एग्जाम जरूर हो सकते हैं। लेकिन मुद्दा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि क्या आप जो जंग होगी तो आप तैयार हैं क्या, या उसी टाइम तैयारी करेंगे जब जंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरा मैसेज बहुत ही क्लियर है यहाँ पे कि अगर आप HS की तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयार रहिए। इस बात का ज्यादा सोचना नहीं है कि फॉर्म कब निकल रहे हैं, क्योंकि फॉर्म तो अगर ये कोरोना नहीं होता तो हो सकता अप्रैल में निकल जाते, फिर क्या करते आप। और कोरोना के साथ में बहुत सारे जो स्टेट है वो थोड़ा डिफर करके तैयारी एग्जाम ले रहे हैं, तो हो सकता है ये एग्जाम है 2020 के आखिर में या 2021 में हो जाए। ठीक है, तो आपका काम तैयार रहना। 3 स्टेजेस है इस एग्जाम की, पहला है प्रीलिम्स, फिर है मेंस और फिर है इंटरव्यू। जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वो स्क्रीनिंग होता है। इसका मतलब क्या है कि इसके नंबर काउंट नहीं होते, लेकिन आपको इस मेरिट में जरूर आना होता है। 200 नंबर का एग्जाम होता है, तो जो बच्चा 130 135 के आसपास स्कोर करता है, मतलब मेरिट में आ गया है, वो लिस्ट में नाम आ गया है मेंस वाली में, तो वो जो 160 है उसके दोनों के बराबर ही नंबर काउंट होंगे। इसका मतलब ये है मेरिट में इसका स्कोर काउंट नहीं होता। मेरिट में किसका होता है? मेंस का और इंटरव्यू का। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। एक डाटा है जो अभी आप HPSC की साइट पर जाएंगे तो आपको भी नजर आएगा। वो कई बच्चों के दिमाग में ये बड़ा फितूर होता है कि मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया। उस डाटा को देखकर आपको पता चल जाएगा कि इंटरव्यू में जो डिफरेंस होता है वो ज्यादा नहीं होता। 35 नंबर से लेकर 50 नंबर के बीच में लगभग ज्यादातर निपट लेते हैं। प्रॉब्लम कहां पे होती है? जो बिल्कुल ही डब्बा होता है या कोई लड़ ले जाकर वहां पे, तो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी क्या है कि वो आप देखेंगे जो पूरी लिस्ट देखेंगे कि वहां पे भी ये मामला नहीं। सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट आता है वो मेंस में कितने आप परफॉर्मेंस दे पाते हैं, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। मेंस एक मेंस लिखा हुआ है आपको, मेंस वो मेन ही होता है एक्चुअल में। मेरिट पर्पज के लिए असल में वही यूज होगा, और इंटरव्यू का जो थोड़ा बहुत 75 मार्क्स का आता है, ज्यादा नहीं है। मेंस 600 नंबर का होता है। तो मेंस की तैयारी और प्रीलिम्स की तैयारी को इंटीग्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ेंगे आप देखिए आगे बात करते हैं आगे। जो प्रीलिम्स है, जो स्टार्टिंग जिसको स्क्रीनिंग राउंड बोलते हैं, उसके पहली स्टेज जिसको बोलते हैं, 2 पेपर होते हैं उसमें। पहला जो पेपर होता है वो होता है जनरल स्टडी का, और दूसरा पेपर वो होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसका मतलब है CSET। जनरल स्टडी में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट है, आर्ट कल्चर हेरिटेज इन्वायरमेंट हरियाणा GK करंट अफेयर्स मिसलेनियस GK अवार्ड वगैरह, ये सारा मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसको बोलते हैं जनरल स्टडी। तो जो चीजें आपने 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ी है वो सारी की सारी इंक्लूड है। इसके अलावा जो आपके चारों तरफ घटनाएं घटित हो रही है वो सारी इंक्लूड है। ठीक है, जो CSET का सवाल है वहां पे अर्थमेटिक का मतलब कि अंक गणित जिसको बोलते हैं, 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में 9वीं क्लास में आपने जो चीजें पढ़ रहे हैं उसको अंक गणित बोल रहे हैं। एडवांस मैथमेटिक्स का क्या है यहाँ पे? कोई एडवांस का मतलब ये नहीं है कि रॉकेट साइंस हो रही है। 8वीं 9वीं 10वीं तक की ही मैथ आती है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है कि 8वीं 9वीं 10वीं तक क्या आपको वो मैथ आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो आपको वो पढ़ लेनी है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि गलत तरीके से डिग्रियां ले लेते हैं, 10वीं तक पास हो जाते हैं, 12वीं तक पास हो जाते हैं, और उस फिर क्या है कि वो लड़ाई लड़ते हैं। पहले तो पढ़े नहीं ढंग से, फिर वो लड़ाई इस बात की लड़ते हैं कि कम से कम ये चीजें ना आए, मैथ ना आए, इंग्लिश ना आए पूछे मुझसे, और साइंस ना पूछे, और वैसे मैं चैंपियन हूं। तो ये चीजें चलती नहीं है। आपको अगर मैथ गलती से आपने नहीं पढ़ा तो दोबारा पढ़ लीजिए, बहुत आसान सा मैथ होता है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता। ये भागिए मत, लड़िए आप। तो मैथ के बारे में फिर ऐसा ही रीजनिंग है,
वर्बल नॉन वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब इंग्लिश के पैराग्राफ आपने सातवीं आठवीं नौवीं क्लास में ये चीज़ें पढ़ी है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, पैराग्राफ होता था, नीचे ऑप्शन होते थे, क्वेश्चन होते थे, उसका जवाब देते थे, कुछ जवाब सब्जेक्टिव लिखते थे आप, और एमसीक्यू फॉर्मेट भी होता था। तो वो वाली चीज़ें ही यहाँ पे आपके एग्जाम में आएगी। कॉम्प्रीहेंसिव आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है कि आप समझ कितना रहे हैं। अगर भाई ये प्रेजेंटेशन आपके सामने रख रहा हूँ तो आप इसमें समझ क्या रहे हैं, ये मतलब कॉम्प्रीहेंशन भी वहीं पे है, ठीक है, या हवा में तीर चल रहे हैं आपके। डाटा इंटरप्रिटेशन, अगर आपके सामने डाटा रखा जाता है, जैसे कि मैंने बताया आपको मैं डाटा रखूंगा मेंस और इंटरव्यू का रिलेशन कितना है, एक अलग से प्रेजेंटेशन आएगी एक दो दिन में, तो वो आप जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये आपके जो कई फिजूर है वो क्लियर होंगे उससे। डिसीजन मेकिंग, कॉमन मिस्टेक बाय स्टूडेंट्स, आमतौर पर जो स्टूडेंट इस एग्जाम में गलतियां करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जो कॉमन मिस्टेक ऐसी कौन सी होती है जो स्टूडेंट कर बैठते हैं और बाद में पता भी नहीं हो चलता, या पता चलता है तो लेट हो चुके होते हैं। एक तो क्या होता है कि नोट स्टार्टिंग प्रिपरेशन ऑन टाइम, शुरू से नहीं टाइम पे स्टार्ट नहीं करते। जब जंग स्टार्ट हो जाए, इंडिया और चाइना की जंग स्टार्ट हो जाए, तो क्या इंडिया तब स्टार्ट करेगा या पहले ही हथियार जमा करके रखेगा? गोला बारूद पहले होंगे, उनके सैटेलाइट पहले होंगे, एरोप्लेन पहले होंगे, जंगी जहाज पहले होंगे, तो तैयारी बहुत पहले ही करनी होती है। जंग स्टार्ट होती है, अटैक करना होता है उस टाइम में। तो सेम स्टोरी हर एग्जाम के साथ भी यही है कि कोई भी एग्जाम हो, नोट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सी सेट, गेम चेंजर। कई बच्चे क्या करते हैं कि सारा दिन करंट पढ़ते रहे, या हरियाणा की प्रॉब्लम तो ये अच्छी इसमें है कि वो हरियाणा जी के पढ़ते रहते, सिर्फ भले ही 5 क्वेश्चन आए 200 नंबर में से, लेकिन उनको लगता है हरियाणा जी के पढ़कर एग्जाम क्वालिफाई करें, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है या आपके ज़्यादा नज़दीक है। पढ़ाने वाले भी वही पढ़ाएंगे जो आप इंटरेस्ट रखते हो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है कि ये आपके लिए बर्बादी है, मीठा जहर है वो। आपको सी सेट को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। 100 क्वेश्चन सी सेट के आते हैं, 100 अगर जीएस के आते हैं, तो सी सेट के आप 90 भी ठीक कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ में, कम मेहनत में। ये चीज़ आपको समझनी है। अगर जो बच्चा ये चीज समझ जाता है उसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। फोकसिंग ओनली ऑन थिंग्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है उसी में आप उलझ कर रह जाते हैं। अगर किसी बच्चे को साइंस नहीं आ रही है तो वो साइंस से भागता है, अगर किसी को इंग्लिश कमज़ोर है तो इंग्लिश से भागता है, टेक्नोलॉजी कमज़ोर है साइंस तो वो साइंस वो टेक्नोलॉजी से भाग रहा है। आपका भागने से समस्या का समाधान नहीं होगा, उसका इलाज करवाना है। जैसे होता है ना, कईयों को बुखार होती है तो वो सोचते हैं कि टेस्ट नहीं करवाएंगे, दवाई नहीं लेंगे, अपने आप ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे ये अपने आप ठीक होने वाली प्रॉब्लम नहीं है, आपको दवाई लेनी पड़ेगी और इलाज करवाना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, यूट्यूब, कोर्ट केसेस, ये आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। ये कई बच्चे तो इसमें उलझ कर रह जाते हैं। नॉट डूइंग राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको बहुत कुछ आता है, पता चला कि आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, 3 घंटे में जो चीज़ें लिखनी होती है 3 घंटे आप पेन से ही नहीं लिख पाए, जिनकी राइटिंग की आदत छूट गई है, जो बच्चे अभी कॉलेज जा रहे हैं यूनिवर्सिटी जा रहे हैं उनकी तो राइटिंग ये आदत है, और वो लगातार 3 घंटे बहुत फास्ट लिखने की एबिलिटी भी है, जैसे आप स्कूल कॉलेज में करते थे जब एग्जाम होता था 3 घंटे लगातार लिखने होते थे। तो यहाँ तो सुबह भी एग्जाम आपका, शाम को एग्जाम है, 6 घंटे लगातार लिखना है, तो क्या वो लिखने और रेलिवेंट भी लिखना है? लिखना एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रिक्वायरमेंट है आपकी। आजकल प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई है कि सारी चीजें टाइपिंग करने लग जाते हैं और आप उंगलियां वो वाली चलते हैं, लेकिन अगर आपने हाथ वाली राइटिंग की आदत छोड़ दी है तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत परेशान कर सकती है, जो शायद आपको अभी पता नहीं है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। तो राइटिंग की प्रैक्टिस आप जरूर रखें, अपने नोट्स बना, चाहे वो आप नोट्स बनाएं, कुछ भी करें, लेकिन राइटिंग आपकी जरूर हमेशा होनी चाहिए। टू मच फोकस ऑन हिंदी मीडियम एंड नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इसके बारे में काफ़ी चीज़ें मैं बार बार बीच में बोलता भी रहता हूँ। 90% यूट्यूब पे आपको हिंदी में चीज़ें पढ़ाई जाती है, 0 रिजल्ट के साथ में आपको ऐसा एहसास कराया जाता है कि आप बड़े शानदार चीज़ें सीख रहे हैं। जो ऑफिसर इंग्लिश नहीं जानता, पहली बात तो ऑफिसर बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक हायर लेवल का एग्ज़ाम है और एलिमेंट्री इंग्लिश आना ज़रूरी है। मतलब कि अगर आप जो ये मैं समझा रहा हूँ, अगर आप इंग्लिश में ये चीज़ें पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। ये सत्य को स्वीकार करें और झांसे में न आए।
अगर आप कॉम्प्रिहेंशन ढंग से नहीं पढ़ सकते तो कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, और यही कारण है कि हिंदी मीडियम में रिजल्ट नहीं है। जो हिंदी में भी एक दो 1% या 2% जो रिजल्ट है उनको इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती है, वो तब है। तो इसलिए इंग्लिश से नफरत न करें, इंग्लिश से भागे नहीं। जिनको इंग्लिश आती है वो कितने 5-6 महीने में इंग्लिश सीख सकते हैं, 3-4 महीने में अच्छी तरीके से आप इंग्लिश सीखिए और इंग्लिश के अखबार पढ़िए, आपका भी माइंड वही डेवलप हो जाएगा। ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है जितनी बना रखी है बहुत सारे ने। नॉट एबल टू इंटीग्रेट प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन। प्रीलिम्स और मेंस को जैसे मैंने बताया, राइटिंग का, प्रीलिम्स का, मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं थोड़े टाइम के बाद में एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, 5-7 दिन के बाद में, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होगी। उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, कई मुद्दे आपके सोल्व होंगे। हिंदी इंग्लिश वाला मुद्दा भी सोल्व होगा, मेंस प्रीलिम्स का जो इंटीग्रेशन वो वाला भी सोल्व होगा, इंटरेस्ट डेवलप करना भी सोल्व होगा। हायर लेवल की सीरीज स्टार्ट होगी जिसमें कि आप यूपीएससी, एचसीएस, यूपीपीसीएस, आरएएस, जो भी बड़े लेवल के एग्जाम है उनके ऊपर डायरेक्ट फोकस कर सकते हैं। अननेसेसरी टाइम फालतू वाली चीजें नहीं होगी और आपको इंगेज करेगी, तो वो काफी ज्यादा फायदे होंगे। पहले भी मैं करता था राइटिंग और हायर लेवल की करंट अफेयर्स, अब मैं वो दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप उसमें जरूर हिस्सा बन सकते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सेल कंप्राइज ऑफ 2 पेपर। यहां पे जो आपके सामने स्लाइड है उस पर बताया हुआ है कि इसमें आता क्या। पेपर 1 में 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, पेपर 2 है 100 मार्क्स का, 200 नंबर का एग्जाम होता है। ये मल्टीपल च्वाइस एग्जाम होता है, मतलब 4 ऑप्शन होते हैं, वो वाले सिलेक्ट करने होते हैं। हिंदी लैंग्वेज में भी होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी होता है। ईच पेपर है, हर पेपर 2 घंटे का होता है और 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग से भी आपको बचना है। जो एचएस मेंस का एग्जाम है हिंदी का, 100 नंबर का होता है, तो पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। 2 ऑप्शनल आपको बहुत सारी जगह पे लिखा हुआ मिलेगा, एक ही ऑप्शनल है। जनरल स्टडी 200 नंबर की, इंग्लिश भी 100 नंबर की, हिंदी भी 100 नंबर की। तो ये वाला 600 नंबर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, जनरल स्टडी का रोल है अब बढ़ गया है। अगर ऑप्शनल पेपर भी अगर किसी ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या इस तरह का लिया है तो उसका रोल भी एक किस्म से जनरल स्टडी का ही है, और हिंदी और इंग्लिश में भी जनरल स्टडी का रोल आता है, चाहे वो एसे राइटिंग हो, क्योंकि एसे राइटिंग इसमें इंपॉर्टेंट है, या फिर जो बाकी चीज़ें उसमें भी आती है। तो यहाँ पे जनरल स्टडी है वो एक्चुअल में भले ही 200 नंबर का हो, लेकिन इम्पैक्ट 400-500 नंबर तक आ जाता है उसका। जनरल स्टडी का मतलब ये हुआ, जो पूरी सारी चीज़ें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन मुद्दे पढ़ने, तो ये काफ़ी ज़्यादा रोल अदा करने वाली है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मोटे शब्दों में देखें तो अगर प्रीलिम्स से मेंस में जाना है आपका सी सेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन अगर आपको एचएस बनना है तो आपकी जीएस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये मोटे तौर पे इसका कंक्लूजन है। बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, भले ही आपने ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट लिया, ग्रेजुएशन भले ही आपका संगीत हो, भले ही आपने कॉमर्स पढ़ी हो, आर्ट्स पढ़ी हो, कुछ भी पढ़ा हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, ये जो सब्जेक्ट है कोई भी ले सकता है, एक सब्जेक्ट जो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो आप किताब पढ़ना चाहते हैं, इसकी तैयारी की, मान लो कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन क्या है कि 4th से 12th क्लास तक एनसीईआरटी पढ़ डालिए। उसके बाद ज्योग्राफी की कुछ स्टैंडर्ड किताबें होती है जो सभी पढ़ते हैं, माजिद हुसैन वर्ल्ड ज्योग्राफी, माजिद हुसैन सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, जी सी लियोम, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, ये आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड आपके सामने किताबें हैं। हिस्ट्री की जहाँ तक सवाल है, एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड आर एस शर्मा पढ़ सकते हैं, सतीश चंद्रा पढ़ सकते हैं, मिडिवल से रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़ सकते हैं, बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड नितिन सिंघानिया, NIOS गवर्नमेंट वेबसाइट ये जा सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी के अलावा ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स का जहाँ तक सवाल है, 9वीं 10वीं तक इकोनॉमिक्स ज़्यादा आती नहीं, छोटी बहुत ही बातें होती है इकोनॉमिक्स की, जो कि कई बार ज्योग्राफी में भी कवर हो सकती है। वो 9वीं और 12वीं की जो एनसीईआरटी 10वीं 11वीं 12वीं इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो को भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। रमेश सिंह, संजीव वर्मा, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी चाहिए। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी का जहाँ तक सवाल है तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एम लक्ष्मीकांत है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इंपॉर्टेंट किताब है और काफ़ी ज़्यादा आपको मदद कर सकती है। DWSU, PRS, ये सारी भी चीज़ें आपको पढ़ लेनी चाहिए।
जनरल साइंस है, एनसीईआरटी 10वीं तक की, तो आपको आनी चाहिए। जिस बच्चे को साइंस नहीं आती, मुझे लगता है उसके सामने बहुत सारे चैलेंज आते हैं। जिसको साइंस और इंग्लिश में दिक्कत होती है, उसको कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आएगी, राइटिंग स्किल्स में दिक्कत आएगी, चीज क्वेश्चन को एमसीक्यू फॉर्मेट वाले क्वेश्चन को समझने में भी दिक्कत आएगी, इको इकोनॉमिक्स को भी समझने में दिक्कत आ सकती है उनको। तो ये चीज़ें हैं। एमसीक्यू ऑफ अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक रेलवे, एसएससी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। प्लस टू तक के भी कुछ सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी है, या फिर मतलब जो जैसे जंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, रस्ट वगैरह है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको 10वीं तक नहीं होते हैं। प्लस वन टू की कुछ सिलेक्टिव अप्लाइड वाली चीज़ें हैं, वो आपको पढ़नी होती है। सीसेट का सवाल है, अर्थमेटिक एनी बुक आपको पढ़ सकते हैं, किसी कोई भी किताब, एसएससी की आपको दुनिया भर की किताब मिल जाएगी, बैंकिंग किताब मिल जाएगी, वो रेलवे किताब हो जाएगी आपके पास में, तो वो आप जरूर पढ़िए। एडवांस मैथमेटिक्स है, वो भी एसएससी में कवर हो जाता है। अगर किसी ने एसएससी की तैयारी की, एसएससी किताब पढ़ रहे हैं, वो पढ़ सकता है। रीजनिंग की किताब है, बैंकिंग एसएससी, बैंकिंग है कुछ टॉपिक, एसएससी है कुछ टॉपिक, तो 5-6 टॉपिक है जो मैंने अलग से वीडियो बनाया कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वो आप पढ़ देखिए और फिर रिलेट कीजिए किताबों में। सारी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारी रीजनिंग आपको, कुछ लिमिटेड रीजनिंग ही काफ़ी है। प्रीवियस ईयर पेपर्स है, सी सेट, यूपीएससी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिल्कुल एज डिटो क्वेश्चन उसी तरह से आते हैं एचसीएस में जैसे यूपीएससी में आते हैं सी सेट में। तो सी सेट है वो एसएससी का, ये एचसीएस का और यूपीएससी का बिल्कुल सेम है। प्रैक्टिस सेट फर्क क्या है कि एचसीएस में 100 क्वेश्चन होते हैं और आईएएस में 80 क्वेश्चन होते हैं, यूपीएससी में 80 क्वेश्चन होते हैं। दूसरा क्या फर्क है कि वहाँ पे ये सी सेट है वो क्वालिफाइंग है, मतलब अगर आप बेसिक भी आपको आता है मैथमेटिक्स या इंग्लिश, जिस बच्चे का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है वो शायद वैसे निकाल दे, साइंस बैकग्राउंड वैसे निकाल दे, लेकिन जिसने वैसे अगर आर्ट्स बैकग्राउंड है और इनका जो 10वीं तक का मैथ अच्छा है तो वो भी वैसे निकाल देगा उसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एचएस में आपको स्पेशल फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके नंबर काउंट होते हैं, और नंबर काउंट होते हैं तो गेम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो सकता है कि जिस बच्चे का रीजनिंग मैथमेटिक्स या एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग होगा वो अच्छा स्कोर करेगा और आगे बढ़ेगा, तो प्रैक्टिस इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल अदा करती है। फिर आ जाते हैं, यू कैन ज्वाइन फ्रंटियर आइस, अगर मान लो ये किताबें दुनिया भर की किताबें 15-20 किताबें इकट्ठी करनी पड़ रही है, फिर उनको कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से न करें, फिर साथ में कोचिंग लेनी पड़ रही है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है, तो एक तरीका तो यह है कि जो ये बताया था मैंने आपको कि आप खुद तैयारी करें। दूसरा ये है कि बजाय आप खुद अपना इलाज करवाएं, खुद इलाज करें, आप प्रोफेशनल की सपोर्ट लें, मतलब कि आप कोचिंग लें, घर बैठे आप कोचिंग ले सकते हैं ऑनलाइन, फ्रंटियर आईएएस आप में आपकी इस मामले में मदद कर सकता है कि कोई किताब खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं है, कोई और क्लासरूम कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो हम बता रहे हैं वो डे वाइज शेड्यूल है, वो आपको फॉलो कर लेना है, पूरा सिलेबस बार बार रिविजन कर सकते हैं, वीडियो पीडीएफ, ये आपका काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो कंप्लीट कवरेज से प्रीलिम्स है, मेंस है, सी सेट है, टेस्ट सीरीज है, इंटरव्यू है, जो भी है आपकी पूरे कोर्स में कंप्लीट होती है। हर टॉपिक के वीडियो, डे वाइज शेड्यूल, हर टॉपिक के पीडीएफ, हर टॉपिक के बाद में फिर एमसीक्यू, ये आपको मिलेंगे इसमें। और फीस बहुत ही मामूली है, 12,500 रुपये फिलहाल है, वरना इसकी फीस 25,000 रुपये। इसमें सब कुछ कवर आपका प्रीलिम्स मेंस, मतलब दुनिया भर की किताबें की कॉस्ट ज़्यादा आ सकती थी और आपका टाइम वेस्टेज फुल हो सकता था, नहीं तो टाइम वेस्टेज होगा आपका, और नहीं ही क्या है कि आपकी कोई एक्स्ट्रा इस तरह से कॉस्ट आएगी, तो पूरा कवरेज इसमें आएगा। इस तरह से आपको डे वाइज जितना भी है, 5-6 महीने का कोर्स होता है जिसमें कवर लग जाते हैं 5-6 महीने, इस तरह से आपको शेड्यूल मिलेगा डे वाइज। आप जिस पे पीडीएफ पे क्लिक करेंगे पीडीएफ खुल जाएगा, वीडियो पे क्लिक करेंगे वीडियो खुल जाएगा, टेस्ट पे क्लिक करेंगे टेस्ट खुल जाएगा, टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे या वीडियो देखेंगे उसको, तो ऐसे करके आपको पूरी आपके सामने 5-6 महीने में ऐसे कवर कर हो जाएगा आपको, और ये कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी कि मैं क्या पढ़ूँ मैं क्या ना पढ़ूँ, क्योंकि सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप कंट्रोल अप करके भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक आपको कर सकते हैं, सिर्फ वो कोई सब्जेक्ट हो आप सब कुछ कर सकते हैं, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, टेस्ट सीरीज हो, अलग से कोई चीज़ आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे ज्वाइन करना है, हमारी वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे अगर आप एचएस करना चाहते हैं, आईएएस करना चाहते हैं, कोई आरएएस करना चाहते हैं, यूपीपीसीएस करना चाहते हैं, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये प्रेजेंटेशन एचएस से रिलेटेड है, यहाँ पे ये आपको ज्वाइन कर लेना है, ये वाला एड टू कार्ट करेंगे, ये आपके कार्ड में ऐड हो जाएगा जब आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप अमेजन वगैरह पे फ्लिपकार्ट पे खरीदते हैं वैसे ही ये खरीदना है,
ठीक है, तो ऐड टू कार्ड करना है, फिर आप वो आगे पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, वहाँ से आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, पेटीएम जैसे करना चाहें आप वो कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है कोई चीज़ को समझने में, तो हमारी जो ये ईमेल नंबर है, ईमेल है, ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर है या फ़ोन नंबर है, यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में मैं इतना ही, आगे फिर मिलते हैं, बहुत सारी जानकारी, नई सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, हमारे वीडियो भी आते रहते हैं डेली, आप वो भी देख सकते हैं, करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं, क्योंकि HCS में फैक्चुअल करंट अफेयर्स आता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे UPSC और HCS की तैयारी साथ में इंटीग्रेट करके कर रहे हैं, उनके लिए एक अलग से सीरीज जैसे मैंने बताया कुछ बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, जिससे कि आप अपने नॉलेज को बहुत ज़्यादा एंगल से एक्सप्लोर कर पाएँ। तो इस प्रेजेंटेशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।